Kids, today we will study chapter number 8, adjectives, kind of adjective. The previous chapters are not in your syllabus, so we'll start with this one. An adjective is a word which defines the quality of any noun or pronoun. Adjective ek wo word hai jo ek noun or pronoun ki quality, usko describe karta hai, uski visheshta batata hai. Like a mogra is a beautiful flower. एक जो मोगरा फ्लावर है ये ब्यूटिफुल है. कैसा है? ब्यूटिफुल. तो ये एक हमारा एडजेक्टिव हो गया. वानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. वानी कैसी है? इंटेलिजेंट है. तो ये उसकी डिस्क्राइब कर दिया है, उसकी क्वालिटी बताई है. द वर्ड्स ब्यूटिफुल, गर्ल, इंटेलिजेंट एंड लॉन्ग इन द अबव सेंटेंस डिफाइन द क्वालिटी ऑफ नाउन. Flower, man, vani and tails respectively, therefore they are called adjectives. Kind of adjectives. There are 8 kinds of adjectives, descriptive adjectives and restrictive adjectives. Adjective of quality, quantity, number, demonstrative, distributive, interrogative, possessive, proper. We'll study all the types of kinds of adjectives in this chapter. Adjectives of quality. अब आपको पता चल रहा होगा क्वालिटी के किसी एक पर्सन को बता रहे हैं कि उस पर्सन की क्वालिटी. जैसे इसमें बताया वानी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि इसमें हमें एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग, इसकी हमें क्वालिटी बताई गई है वो कैसा है. जैसे अगर हम ये लेते हैं, एप्स हैव लॉन्ग टेल्स. तो लॉन्ग टेल्स हमारी लंबी, मतलब इसमें हमें क्या, ये भी हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी हो गई. तो ये हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी जो हमें एक पर्सन उस चीज को डिस्क्राइब करता है, उसकी उस पर्सन की विशेषता बताता है. द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इज नोन एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, बिकॉज दे एक्सप्लेन अ पर्सन और अ थिंग, सो दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. और इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पर्सन की विशेषता या उनकी उनके बारे में एक्सप्लेन करता है. Examples: Bhopal is a big city. कि city कैसी है? Big है. Meena is an intelligent lady. कैसी lady है? Intelligent. I like raw mangoes. कैसे mangoes पसंद है? Raw. Sunil Gavaskar is a great cricketer. कैसा cricketer है? Great. Two ways of using adjective of quality. हाँ, और ये भी, if we ask a question of what kind, मतलब अगर हम पूछें कि वो कैसा है, what kind, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का बताएगा. अगर हमें पता डिफ्रेंशिएट करना हो कौन कौन सा, तो हम ये देख लेते हैं कि उसमें क्वेश्चन क्या बैठ रहा है, वो ऑफ व्हाट काइंड का बैठ रहा है, तो फिर उसका मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है. अब इसको लिखने के दो वेज होते हैं. पहला होता है एट्रीब्यूटिवली. एट्रीब्यूटिवली हमारा यही वाला वे है, भोपाल इज़ अ बिग सिटी, ठीक है. और जो दूसरा वे होता है प्रेडिकेटिवली, मतलब भोपाल सिटी इज बिग, एक ये हो जाता है. मतलब इसमें हमारा जो नाउन के पहले आ जाता है, जैसे शी लिव्स इन अ स्मॉल हट, तो इसमें हट के पहले आ रहा है. कैसे हट में रहती है? स्मॉल. प्रेडिकेटिवली हर हट इज स्मॉल, बात एक ही है बट लिखने का तरीका अलग है बस. तो यही हो गया एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली. नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. कितना है? हाउ मच, कितनी है? एक मिल्क में, एक पॉट में मिल्क है, लिटिल, थोड़ा सा है, ये क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी है वो चीज़. तो इसलिए वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा. और इसका जो क्वेश्चन बनता है हाउ मच, अगर हम किसी सेंटेंस में लगाते हैं तो उसमें अगर इसमें लिखता वानी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें अ वेरी जो है वो क्वांटिटी आता और जो इंटेलिजेंट है वो क्वालिटी आता. तो अब इसमें लेते हैं ही एट सम एप्पल्स. कितने एप्पल खाए? सम, थोड़े से खाए, तो वो क्वांटिटी हो गई. ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज एल्डर सिस्टर. उसने अपनी एल्डर सिस्टर की कैसी केयर करी? ग्रेट. कितनी केयर करी? ग्रेट केयर करी. कैसी नहीं होगा इसमें, कैसी केयर करी, कितनी करी? ग्रेट. He has no much money. उसके पास कितना पैसा है? No much. कितना भी, बिल्कुल है ना के बराबर. Next आता है adjective of number of numerical adjectives. ये हमें बताता है कि how many person or things are referred or
इन वॉट मैनर और सीक्वेंस अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, मतलब कि वो कित एक पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में बताता है कि वो कितने पर्सन से हैं, या तो ये बताता है या फिर वो उसकी बताते हैं कितने सीक्वेंस में फर्स्ट है, थर्ड है, 20 है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताता है उस चीज़ की. शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड. कितनी ईयर्स ओल्ड है? 10. दे वॉन्ट रीना सेवरल, वॉन्ट रीना सेवरल टाइम्स. उन्होंने कितनी बार रीना को वॉन्ट करा? सेवरल टाइम्स. वी हैव मैनी फ्रेंड्स. कितने फ्रेंड्स हैं? मैनी फ्रेंड्स. टू फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी और इन वॉट मैनर और सीक्वेंस. उसका हाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना क्वांटिटी और एडजेक्टिव में कि मैनी है तो ये यहाँ भी आ सकता है. देर इज़ मैनी मिल्क इन द वर्ल्ड. मैनी कुछ मैनी होता ही नहीं. देर इज ही हैज़ नो मैनी वनी. कुछ नहीं होता ऐसा. हाउ मच क्वांटिटी हो जाता है. हाउ मैनी कितने हैं? हाउ मैनी तो वो या फिर हाउ मैनी हो गया और एक हाउ मच. देखो जो मच होता है ना वो हमारा उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो हम काउंट नहीं कर सकते. अब लिखा है देर इज़ लिटिल मिल्क इन द पॉट, तो वो लिटिल को हम काउंट नहीं कर सकते कितना है मिल्क, हमें नहीं पता. बट अगर हमें जैसे देर इज़ 2 लीटर मिल्क इन द पॉट तो वो हमारा काउंटेबल हो गया, तो वो हमारा न्यूमेरिकल में आ जाएगा. बट अगर हम बोलें ही एट सम एप्पल्स, हमें नहीं पता सम एप्पल्स हम तो कितने भी हो सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 1 हो, 2 हो, वी डोंट नो. अगर हम इसमें बात करें हाउ मैनी, वो चीज़ होती है जो काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड. कितनी है? 10 है, काउंटेबल. हर फ्रेंड्स बॉट हर सम टॉयज. सम टॉय कुछ टॉय लाए. ऐसे तो है नहीं कि एक एक 10-15 टॉय एक संग ले आएंगे उसके दोस्त. एक लाएंगे, दो लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बस. नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट्स आउट विच पर्सन थिंग्स और प्लेसेस, कि वो किस चीज़ के बारे में हो रही, कौन से पर्सन की उस चीज़ के बारे में, या उस चीज़ और पर्सन की बताता है कि हम कौन से एग्जैक्टली किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. दैट ट्रंक वॉज वेरी ओल्ड. वो वाला ट्रंक बहुत ओल्ड है. दिस बॉय टॉप द स्कूल. उस बॉय ने स्कूल टॉप कर दिया. दो शूज़ आर नॉट फॉर सेल. वो वाले शूज सेल के लिए नहीं हैं. दीज बॉयज विल टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. ये बॉयज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे. रीतू एंड नीतू आर इन द सेम क्लास. रीतू और नीतू एक ही क्लास में है. दे डोंट लाइक सच सॉन्ग्स. उन्हें ऐसे सॉन्ग नहीं पसंद. शी लाइव्स इन योंडर हाउस. योंडर इज अ प्रोनाउन फॉर यंगर, तो मतलब वो छोटे घर में रहती है. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कैन बी फाउंड बाय क्वेश्चनिंग विच. क्या कौन सा, जब भी हमारा क्वेश्चन आ जाए विच कौन सा, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो दैट पर्सन्स और थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप आर टेकन वन एट अ टाइम. मतलब कि एक उन पर्सन को और थिंग्स को बारे में बताता है जिनको हम एक बार में ले रहे हैं. जैसे हम मैंने बोला कि मैंने 10 पेन खरीदे, तो मैंने बोला वो जो इनमें से एक पेन था, एक पेन 10 रुपये का है, तो मतलब ये जो एक पेन है वो सारे 10 रुपये का है. मतलब हमने अगर 5 खरीदे तो 50 रुपये. जैसे ईच बैट कॉस्ट 50 रुपीज़, तो ईच की बात हो रही है. पूरे ग्रुप में से हर एक 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 पेन की बात हो रही है. ए जब एक ही टाइम पर एक सारे ग्रुप में से हर एक बंदे की बात हो रही हो, तब बोलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. आई हैव रेड एवरी बुक यू गेव मी. सारी बुक हम मैंने पढ़ ली है. सारी बुक में उसने जितनी भी दी होंगी सबके बारे में अलग अलग एक बार बोली गई है. देयर वर न्यू प्लांट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. नए पौधे लगाए गए हैं दोनों साइड रोड के. दे गेव मी न्यू रैकेट्स. नन ऑफ द रैकेट्स वॉज गुड. उसने मुझे नए रैकेट्स दिए बट उनमें से कोई भी रैकेट अच्छा नहीं था. तो मतलब सारे रैकेट्स में से एक एक करके एक ही टाइम पे बात हो रही है. एवरी प्लेयर डिड हिज बेस्ट इन द मैच. हर एक प्लेयर ने अपना मैच में बेस्ट दिया. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. वेन एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज फॉलोड बाय अ नाउन इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दैन इट इज़ नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम एक नाउन को एक क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज रिप्लेस कर देते हैं. जैसे होता है जैसे विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट. कौन से वेजिटेबल्स हमें पसंद हैं.
तो ब्रिंजल पसंद है, लेडी फिंगर, जो भी आप पसंद है आप उसका नाम लिखोगे। तो यहाँ पे जो हमारा विच है वो किससे रिप्लेस हो सकता है, जो लेडी फिंगर आपको पसंद है, तो एक नाउन से रिप्लेस होगा। तो जब भी एक नाउन को हम इन विच, व्हाट, हुज ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनसे रिप्लेस कर देते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। What is placed in a general sense and which is placed in a selective sense? What जो place होता है वो हमारा general कहीं भी लग जाता है general sense में, और which is placed and which और बहुत ज़्यादा selective चीज़ों में, जैसे what हम बोलते हैं, what are you doing, what is this, है ना। तो और which हम कुछ जगह पर, which vegetable do you like the most, first example, ठीक है। Next आता है possessive adjectives. Possessive adjectives refers to show possession और ओनरशिप। हमें पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि हम सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़, हमें ये बताते हैं कि वो हमारा पजेशन है, वो चीज़ की ओनरशिप है, वो हमारी चीज़ है। हिज कार नीड्स पेट्रोल, उसकी कार को हम, ये नहीं आर कार, हमारी कार, उसने बोला उसकी कार, स्पेसिफिकली उसकी कार को पेट्रोल की ज़रूरत है। द प्लांट इज लूजिंग इट्स कलर, प्लांट जो है वो अपना कलर खो रहा है। दैट इज आर हाउस, वो हमारा घर है। तो मतलब इसमें ओनरशिप है एक चीज की, हमारी पसंद भी आती है पजेस, या फिर आई लाइक द ज्वेल्स मोस्ट, तो फिर मेरे को ज्वेल्स पसंद है, तो इसमें आ गया आई लाइक, या बोलते हैं आई लाइक ब्लू ज्वेल्स द मोस्ट, तो इसमें, तो इसमें जो ब्लू ज्वेल्स है, तो आप देखो इसमें क्वेश्चन है, तो ब्लू ज्वेल्स, आई लाइक ब्लू ज्वेल्स द मोस्ट, तो ये हमारा हो गया ब्लू ज्वेल्स है हमारा, तो फिर ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ दोज ब्लू ज्वेल्स आर माइन, तो मतलब वो ब्लू ज्वेल्स मेरे हैं, तो इसमें ओनरशिप बताइए कि हाँ वो मेरी चीज़ है, वो मेरे से बिलोंग करती है, तो इसलिए वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चनिंग है हूज, किसकी, जो जहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाए वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसका मतलब होता है कि जब हम एक, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, मतलब हमें जब प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव के वे में यूज करके लिखते हैं सेंटेंस में, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे शी इज एन इंडियन, तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया इंडियन इसमें। बट अगर मैं बोलती हूँ शी इज एन इंडियन सोल्जर है, बट कैसे सोल्जर है, इंडियन सोल्जर है, तो इसलिए वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। लाइक ही वेंट टू विजिट रशियन, वो रशियन विजिट करने गया, बट उसने बोला ही इंजॉयड द रशियन फूड, उसको कैसा फूड पसंद आया, उसे रशियन फूड पसंद आया, तो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट द आर्टिकल्स ए एंड द, समटाइम्स द वर्ड्स द एंड अ और एन आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। कभी कभार क्या होता है, द और एन जो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जाते हैं। आपको पता है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हम पता, एक क्वेश्चन बताते हैं विच, किसकी है, कौन सी चीज़ जो बताते हैं, किसी चीज़ की वो बताते हैं कि वो कौन सी चीज़, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड समटाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स, तो ये जो द ए और एन है वो हमारे कभी कभार डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो जाते हैं और कभी कभार आर्टिकल्स भी, आर्टिकल्स तो वो रहते ही हैं। दे आर यूज बिफोर नाउन्स इन सेंटेंसेस, और ये हमें नाउन से, किसी नाउन से बताए अ ज्वेल, किसी एक नाउन से पहले यूज करते हैं, तो इसलिए वो एक नाउन के पहले यूज होता है। दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल, तो ये हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। हम जो वर्ड द है वो हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है, बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये हमें एक पर्टिकुलर, हम बोलते हैं ही गेव मी द बुक, तो उसने मुझे वो बुक दी, उसने मुझे बुक दी, तो द बुक उसमें एक स्पेसिफिकेशन है, और ही गेव मी अ बुक, तो उसका मतलब तो उसने हमें कोई सी भी दे दी, तो द बुक हमें एक डेफिनेट आर्टिकल है कि हमें वो उस बारे में ही बात कर रहा है, उस बुक के बारे में, ठीक है। और ए एन दो जो होते हैं वो इनडेफिनेट है, क्योंकि वो हम किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं जनरली, ठीक है। सो हेयर कम्स द एंड्स ऑफ द चैप्टर,
सो वॉच दिस वीडियो थॉरली एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस द एक्सरसाइज. डू दिस होल एक्सरसाइज, दिस फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू डू फॉर फ्रॉम टुडे, फॉर टुडे. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द ग्रुप.